दोस्तों मैं जीशान अरिपुर, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आप लॉकडाउन में कहीं जाना चाहते हैं, जिले के अंदर या जिले के बाहर अगर आप कहीं जाना चाहते हैं अपनी गाड़ी से, तो आप किस तरह अपना गाड़ी का ऑनलाइन पास भी बना सकते हैं, ऑनलाइन ई पास बना सकते हैं, जिससे आपको कहीं पर कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज हम सिखाएंगे आपको गाड़ी का ई पास कैसे बनाना है। कोरोना वायरस के चलते अगर आपको कोई इमरजेंसी है, या आप कोई अधिकारी है, या आप व्यापार करते हैं, या आप व्यक्तिगत आदमी है, तब आप अपनी गाड़ी का ई पास बना सकते हैं, जिसमें आप दो चक्का फोर व्हीलर किसी भी गाड़ी का ई पास बना सकते हैं, जिससे आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, सर्विस प्लस सर्विस ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन, बिहार बोर्ड बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पे दिया गया कोविड-19 आपदा के लिए ई पास निर्माण, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आप कुछ छोटा सा फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे कह रहा है आपका आवेदन का नाम, यहाँ पे अपना नाम देंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम देंगे, तो यहाँ पे नाम देंगे आपको हिंदी इंग्लिश में नाम देंगे, स्पेस देंगे तो वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मैं इंग्लिश में नाम लिखूंगा स्पेस दूंगा तो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको इंग्लिश में नाम देना, स्पेस देंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आवेदक का नाम जो जा रहा है उनका नाम देंगे, उनके फादर का नाम देंगे, मतलब जो ड्राइवर होगा, मतलब जो मैन होगा, ठीक है, गाड़ी मालिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनकी उम्र देंगे, जो भी उनका उम्र होगा वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक पूछ रहा है मेल या फीमेल, पुरुष या स्त्री, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है व्हाट्सअप नंबर, तो यहाँ पे आपका जो व्हाट्सअप नंबर होगा वो व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे पूछा ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी दे भी सकते नहीं भी दे सकते, जरूरी नहीं है। उसके बाद ये कह रहा है प्रस्थान, यानी किस जगह से किस जगह पे जाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपने गाँव से अपने डिस्ट्रिक्ट जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं अपना गाँव का नाम लिखा, उसके बाद अपने जिला का जो नाम है वो लिखेंगे ताकि हमें कोई नहीं रोके, ठीक है। उसके बाद ये सब देने का, उसके बाद कह रहा है वैधता, ठीक है, मतलब कि कब आप यहाँ से चलेंगे और कब वहाँ से रिटर्न आएंगे, वो वैधता दिनांक समय, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं 6 तारीख को जाऊँगा, 6 तारीख को कितने बजे, यहाँ पर समय भी सेलेक्ट करना होगा, 8:20 सेलेक्ट कर ले। उसके बाद फिर आप कब तक रिटर्न आएंगे, ये मतलब कब तक उसकी वैधता रहेगी ये ई पास की, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं 6 को जाऊँगा तो 7 को आऊँगा मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे 7 को मैं कब तक आऊँगा तो ये सिलेक्ट, मतलब कि ये जो ई पास बनेगा इतना तारीख को इतना बजे से इतना तारीख को इतना बजे तक ये वैलिड रहेगा। उसके बाद कह रहा है वाहन के प्रकार, कौन सा गाड़ी से जा रही है, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया या अन्य गाड़ी, तो बाइक 2 पहिया आता है और टेम्पो वगैरह 3 पहिया या 4 पहिया, 4 पहिया बोलेरो स्कॉर्पियो वगैरह आ जाता है, जिससे भी जाना चाहिए तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे 2 पहिया सेलेक्ट करेंगे मतलब मोटरसाइकिल, तो उसके बाद यहाँ पे निबंध संख्या, तो यहाँ भी कह रहा है अपने गाड़ी का नंबर दीजिए। गाड़ी का नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको पूछा है प्रयोजन, यानी कि आप क्या है, एक अधिकारी या अफसर वगैरह है, तो यहाँ भी कह रहा आप क्या है, अधिकारी है या व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन है या व्यक्तिगत एक आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकारी है तो आप वो सेलेक्ट करते, अगर व्यापार करते बिजनेस करते तो ये सेलेक्ट करते, अगर व्यक्तिगत आदमी है तो मतलब व्यक्तिगत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ व्यक्तिगत सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का, अगर आप व्यापार सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रयोजन का प्रकार पूछेगा, ठीक है, किस तरह का आप व्यापार करते हैं, ई कॉमर्स, थोक, खुदरा, मतलब कि ये इसलिए दे जाते जैसे दुकानदार होते हैं, अगर वो सामान लाने बाहर नहीं जाएंगे, दूसरे जिला नहीं जाएंगे, तो वो कैसे आपको फिर लॉकडाउन में सामान प्रोवाइड कर सकते, मतलब कि किराना सौदा वगैरह, इसलिए व्यापार। अगर आप व्यक्तिगत आदमी तो वो भी कर सकते, व्यक्तिगत आदमी सेलेक्ट करेंगे व्यक्तिगत। तो उसके बाद यहाँ पे कारण पूछ रहा है किस कारण से आप जाना चाहते हैं, या आप घूमने तो नहीं जा सकते, अगर मेडिकल कारण से डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तो वो लिखेंगे, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तो वो लिखेंगे। और यहाँ पे यात्रिक संख्या, आप कितने आदमी से जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पहिया सेलेक्ट किया, 2 पहिया मैक्सिमम 2 ही आदमी बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 आदमी मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं पहचान पत्र, आप यहाँ पे पहचान पत्र क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आधार कार्ड में सेलेक्ट कर लेते, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड जो भी देना चाहे, पासपोर्ट, पैन कार्ड वो भी दे सकते हैं। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कह रहे हैं आधार नंबर इंटर कीजिए, जो भी आधार नंबर वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे संचालन का प्रकार, संचालन में प्रकार मतलब पूछ रहा है कहाँ जाना चाहते, जिले के भीतर या जिले के भीतर या अंतर जिला, मतलब दूसरे जिला से दूसरे राज्य जाना चाहते, ये कह रहा है जिले के अंदर ही आप जा रहे हैं या दूसरे जिला जा रहे हैं या दूसरे राज्य जा रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, तो मैं जिले के भीतर तो वो सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद याद कह रहे हैं आपका जिला क्या, वो आप जिला सेलेक्ट करेंगे, तो मधेपुरा में सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरा जिला जो है। उसके बाद यह आवेदक का फोटो, यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा, उसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करना होगा।
तो यहाँ पे मैं फोटो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पता पूछ रहा है क्या एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हम पता एंटर कर देते हैं। तो उसके बाद ये पूरा डिटेल दे देंगे, आपको इसको चेक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री करेंगे, आई एग्री करने के बाद ये कैप्चर इस कैप्चर के इस बॉक्स में आपको एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर ये कैप्चर दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे कुछ इस तक सेंटर आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, इसको आप डिटेल को चेक कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या क्या सूचना गलत पाए जाने पर दंड का भागी होगा, इसलिए यहाँ पे सही जानकारी दें। उसके बाद यहाँ पे अटैच करना होगा, अटैच पे क्लिक करें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा, डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट मांग रहा है, जिसमें कम से कम एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, क्योंकि इसमें लाल स्टार लगा हुआ, इसमें नहीं लगा। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आप वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दे सकते हैं। आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा। यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करके आपको, तो यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। तो जैसे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर से आपकी जानकारी यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे देखिए अटैच हो चुका है डॉक्यूमेंट आधार कार्ड। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा बिहार सरकार की ओर से, ये रिसिप्ट है। इसका कार्यकाल 2 दिन के अंदर इसका जो ई पास होगा, जो कि आपको जो ईमेल आईडी दी थी उस पर भेज दिया जाएगा, या जो भी मोबाइल नंबर दिए उस पर एक डाउनलोड लिंक भेजा जाएगा। उस पर आप अपना क्रमांक संख्या देके इस ई पास को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 2 दिन का समय लगता है ई पास बनने में। ई पास 2 दिन के अंदर जब आपका एक्सेप्ट हो जाता है, तब आपके रजिस्टर ईमेल आईडी भेज दिया जाता है या आपके मोबाइल में भेज दिया जाता है। इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं आपका बना या नहीं। उसके लिए आपको फिर से serviceonline.bihar.gov की वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आवेदन की स्थिति देखे पे क्लिक करेंगे। जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहा है आपको किसका स्टेटस चेक करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस की, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्या चीज़ का स्टेटस चेक करना है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको देना है COVID-19 ई पास। तो देखिए यहाँ पे ई पास फॉर COVID-19 है, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसका यहाँ पे ऑनलाइन मोड आ गया। उसके बाद आप एप्लीकेशन नंबर, जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, यहाँ पे देख लीजिए आवेदन संख्या COVID-20 कहेगी, इस तरह का एक आवेदन संख्या आपको मिला। उसके बाद वो आवेदन संख्या यहाँ पे देखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट देना होगा, डेट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर यहाँ पे इंटर करेंगे। इस कैप्चर को इंटर करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मोबाइल में इसको यूज करने के लिए, तो इस QR कोड का स्कैन करें और लिंक को ब्राउजर में कॉपी या पेस्ट करें। ठीक है, लिंक को ब्राउजर में कॉपी या पेस्ट करेंगे। यहाँ पे भी आपको QR कोड दिया जाता है, इस PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे आवेदन ई पास उपयोगकर्ता पुस्तिका पर क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपने सीख गए होंगे COVID-19 में किस तरह आप इमरजेंसी के लिए ई पास बना सकते हैं ऑनलाइन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार की बन रहा है। यहाँ के बिहार की जो ऑफिसियल वेबसाइट, जहाँ से लोग सेवाओं के लिए अप्लाई कर सकते, उसी वेबसाइट से बन रहा है, जो कि बिहार सरकार की ओर से इशू किया जाता है, जो कि बिहार सरकार के निर्देश के अनुसार डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा ये इशू किया जाता है, जिससे आप अपना पासिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। यहाँ मैं आपको दोस्तों बता दूँ, मैंने एक यूट्यूब का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसे मैंने आपको यूट्यूब के रिलेटेड हर चीज बताऊंगा। यहाँ मैंने आपको पार्ट 1 बताया था यूट्यूब के प्रोफेशनल चैनल कैसे बनाए, कैसे उसकी डिजाइन करें, कैसे लोगो लगे, वो सब बताया। उसके बाद यहाँ मैंने पार्ट 2 बताया था यूट्यूब की बेसिक सेटिंग के बारे में, कौन सा सेटिंग ऑन करें, कौन सा ऑफ करें, जिससे आपके चैनल प्रेस करें। उसके बाद मैंने आपको बताया कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करना सीखे, कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करें बेस्ट, जो कि जिसे 5 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड कर सके बिना वाटरमार्क का, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल फ्री है। इसी साथ साथ मैंने आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा फ्री वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर कौन है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेज जानकारी।